ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देखिए, प्रदेश तो पूरा ही बिगड़ा हुआ है। अशोक गहलोत का बेटा हारने के बाद सरकार डिप्रेशन के अंदर है और गहलोत साहब एक तरफ तो गरीबों के घर उजाड़ने के लिए तो हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा का बंगला खाली कराने के मामले में कहते हैं कि ये तो सरकार काम करेगा, हाईकोर्ट नहीं करेगी। उनका दोहरा रवैया है और इससे साफ साफ झलकता है वसुंधरा गहलोत राजस्थान के अंदर मिले हुए हैं और मिला जुली के खेल को पहले भी हमने खत्म किया, आगे भी हम खत्म करेंगे। मिलकर जंगल राज AK-47 राइफल लेके अपराधी बेरोड थाने के अंदर घुसते हैं, पुलिस कर्मियों को बंधक बनाते हैं, थानेदार भाग जाता है, कोई पेंट गिली हो जाती किसी की। यह हालात राजस्थान के थानों के अंदर, अलवर दुष्कर्म पीड़िता का वीडियो वायरल होता है, अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, सड़कों पर हम संघर्ष करें और गहलोत सरकार को अब हम इस तरह की गुंडागर्दी और बर्बरतापूर्वक कार्रवाई राजस्थान के अंदर नहीं करने देंगे। कानून पर लोगों का भरोसा है, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा। अब कह तो दिया मैंने, मैं कह रहा हूँ वसुंधरा जी का बंगला जानबूझ के खाली नहीं कराया जा रहा है। इसी कांग्रेस पार्टी ने, जब बीजेपी की सरकार थी, जब बिल लेके आई बीजेपी की मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो मकान है वो खाली नहीं कराए थे, जब इसमें बिल आया तो कांग्रेस के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बिल का विरोध किया और ये भी कहा था कि वसुंधरा का बंगला खाली होना चाहिए। घनश्याम तिवाड़ी ने मामला उठाया, मैंने उठाया, कांग्रेस ने उठाया और उसी कांग्रेस ने थूक के चाट लिया। लेकिन मैं वसुंधरा का बंगला खाली करने के धरने पे बैठूंगा, सिकरी बड़ी तादाद के अंदर लोगों को लेके अशोक गहलोत के घर को घेरूंगा मैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो गरीबों की बस्तियाँ उजाड़ दो हाईकोर्ट के आदेश के आड़ में और दूसरी तरफ अशोक गहलोत कहते हैं हाईकोर्ट को मैं मानता ही नहीं, घर का राज थोड़ा ही है। हमने हमारे संसदीय क्षेत्रों के अलावा राजस्थान के प्रमुख मार्गों पर और जो हमारे प्रवासी राजस्थानी जो बाहर रहते हैं देश के विभिन्न भागों के अंदर, उनके लिए भी ट्रेनों के ठहराव की अलग अलग डिमांड करी, मांग करी। सांसद इस मीटिंग से तो खुश थे लेकिन कुछ गलत जवाब रेलवे के अधिकारियों ने सांसदों को दिए, उसको लेकर थोड़ी नाराज़गी जाहिर की और रेलवे GM ने आश्वस्त किया कि अगली बार जो मीटिंग होगी उसमें पूरी तैयारी के साथ आएंगे हम। ये जो मोदी जी का विजन है और देश के अंदर निश्चित रूप से पिछले 5 साल के अंदर रेल को बहुत बड़ी गति मिली लेकिन राजस्थान को वो गति नहीं मिली जो देश को मिली, इसलिए हमने हमारी पीड़ा जाहिर की और इसके अंदर हम लोकसभा के अंदर भी रेल की गति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं आम जन को मिले, गरीब आदमी को मिले और रेलों की यात्रा सुरक्षित यात्रा हो। और हम चाहते हैं कि हमारे संसदीय क्षेत्रों के अंदर तमाम जो लोक देवताओं के अलग अलग वीर भूमि है राजस्थान के अंदर, तो वहाँ उनके नाम से भी ट्रेनों का नामकरण किया जाए, स्टेशनों का नाम किया जाए। ये हमारे प्रमुख बिंदु थे, प्रमुख मांग थी। कुछ नए रेल मार्ग हम स्वीकृत करना चाहते थे, उनके सर्वे के लिए कई जगह आज उन्होंने सहमति भी प्रदान करी और कई जगह जो मामले रेल बोर्ड के अंदर है और मंत्री के लेवल पर, वहाँ भी हम प्रयास करके और जितना हम कर सकते हैं राजस्थान के लिए, हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए मिलकर हम प्रयास करेंगे, नए रेल मार्ग शुरू करवाएंगे। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।